गाइस, दिस इज टीम ट्रैकर, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आज बहुत टाइम का ट्रैक कर रहे हैं हम लोग, अराउंड 3 मंथ्स के बाद कुछ, और व्लॉग भी बहुत टाइम के कर रहे हैं ना, बहुत टाइम के व्लॉग शूट कर रहे हैं। इसके पहले राजमा ची किया था, पर व्लॉग शूट नहीं किया था हम लोग ने। उसके बाद तकमक किया, उसके बाद तकमक किया, वो दो ट्रैक कतर लगा शूट किया और डालना बाकी है। दो ट्रैक किया पर शूट नहीं किया, तो व्लॉग बहुत टाइम के बाद कर रहे हैं आज 3 मंथ्स के बाद कुछ। और आज हम लोग आए गोरखगढ़ के लिए, गोरखगढ़ ट्रैक के लिए, और ये हम लोग का सेकेंड टाइम है। इसके पहले भी हम लोग आ चुके हैं, कुछ टू इयर्स बैक कुछ आए थे, अब फिर से गोरखगढ़ के लिए आए हैं। ये टाइम शूट कर रहे हैं इसलिए फिर से आए। तो पूरा आपको अच्छे से बताएंगे, पूरा डिटेल्स, ट्रांसपोर्ट कैसे सब बताते हैं आपको, और ट्रैक का भी पूरा डिटेल्स देंगे ऊपर जाने तक, जो भी डिफिकल्टीज रहेगा जो भी हो सब आपको बताएंगे डिटेल्स में। गोरखगढ़ का ट्रैक जैसे आप स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग में ही मंदिर आता है, गोरखगढ़ मंदिर। ये आप मंदिर बहुत मस्त है, और ये मंदिर का स्ट्रक्चर पूरा एक फोर्ट टाइप है, किलर टाइप स्ट्रक्चर है, बहुत ब्यूटीफुल है देखने में, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। सो आपका ट्रैक इतना अच्छा ब्यूटीफुल किले से, सीनरी से स्टार्ट होता है और मंदिर से स्टार्ट होता है, तो अच्छे से प्रे करके ट्रैक स्टार्ट करते हैं। और ट्रैक इधर से स्टार्ट होता है, इधर से आपका गोरखगढ़ का ट्रैक आपको कंटिन्यू करना है। अगर आपको इधर तक आना है ट्रैक पे गोरखगढ़ तक, तो अगर आप मुंबई से आ रहे हो तो मुंबई से आपको सबसे पहले कल्याण स्टेशन आना पड़ेगा। कल्याण स्टेशन से आपको मुरबाड़ के लिए बस पकड़ना पड़ेगा, और मुरबाड़ से फिर से एक बस है जो आती है इधर तक, देहरी तक आती है, बट अभी कोविड की वजह से ना बसेस बंद है मुरबाड़ से जो ऐसे आती है। तो आपको मुरबाड़ से कोई टैक्सी जीप करना पड़ेगा जो कि आपको माशे तक छोड़ेगी। माशे का कुछ 12 किलोमीटर है वो गाँव तक, तो उधर उसका कुछ 20 रुपीज़ है, और माशे से फिर से आपको टैक्सी जीप करना पड़ेगा, शेयरिंग जो भी है वो उसका 30 रुपीज़ है, जो कि देहरी तक आपको छोड़ेगा। तो आपको मीन्स बस फिर दो और टैक्सी जीप करना पड़ेगा इधर देहरी तक आने के लिए, जहाँ से गोरखगढ़ ट्रैक स्टार्ट होता है। और अगर अभी शायद कोविड का सिचुएशन ठीक हो जाए तो बसेस चालू हो जाए, तो आपको सिर्फ डायरेक्ट मुरबाड़ तक बस, और मुरबाड़ से देहरी तक बस पकड़ना पड़ेगा। बट जब तक बस चालू नहीं, आपको ऐसे स्ट्रगल करके आना पड़ेगा, और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। हम लोग को निकले हुए 5 घंटे हो गए सुबह से, अब कुछ 11:30 ट्रैक स्टार्ट करें हम लोग, जबकि हम लोगों ने सोचा था 10:30 तक स्टार्ट करेंगे, तो बहुत लेट हो गया है। देते कितना टाइम तक ऊपर पहुँचते और आपको डिटेल्स देते आगे का। और कल्याण से मुरबाड़ का डिस्टेंस है 30 किलोमीटर्स, जो पहले था 30 रुपया, अभी है 45 रुपीज़ वन साइड, तो काफ़ी रेट बढ़ गया है यार बस वालों का भी, तो देख लेना ज़्यादा पैसा कैरी करना अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर रहे हो तो, क्यों लग सकता है कॉस्ट हो सकता है ये ट्रैक का। तो 20 मिनट लगातार ट्रैक करने के बाद, मतलब 20 मिनट हम लोग कंटिन्यूस ट्रैक कर रहे हैं, फाइनली हम लोग को फर्स्ट व्यू मिल गया गोरखगढ़ का। जो देखो ये है गोरखगढ़, ये जो झाड़ियों के बीच में से दिख रहा है पलक झपक के है, ये है गोरखगढ़। तो हम लोग को लगता है अभी और एक घंटा डेढ़ घंटा लगेगा हम लोग को, 1-1.5 आवर, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा 1 घंटे में भी हो सकता है, वो ऊपर पहुँचे तो बताएं कितना टाइम लगता है। तो चलते रहते हैं अभी है। ये फिलहाल ये है ऐसा रूट है, ट्रेल है ऐसा, गोरखगढ़। तो ये ट्रैक पे मार्किंग्स है नहीं, एरो मार्क रिबिन्स कुछ नहीं है, सिर्फ 2-3 जगह पे ऐसा बोर्ड लगा है गोरखगढ़ का, और बाकी मार्किंग्स की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज रास्ता है वो सीधा सीधा है, किधर भी ऐसा डाइवर्जन नहीं है कि 2 रास्ता 3 रास्ता आप भटक जाओगे, तो सीधा रास्ता है, आप इजीली जा सकते हो, और इधर से आगे से ऊपर गोरखगढ़ तक जा सकते हो। और ये क्या है रे जेजे, ये तो किसी सिक्योरिटी किया रहे रात को कैंपिंग भी हुआ रहेगा इधर, फिर कैंपिंग किया रह सकता है। और कोई भी ट्रैक पे जाओगे तो प्लीज ऐसा प्लास्टिक कचरा फेंको मत, प्लास्टिक बॉटल्स, रैपर्स, ये सब है ना, बैग में डालो, रिटर्न बैग में कैरी करके घर पे लेके आके इधर रास्ते पे फेंक दो, पर इधर कचरा मत करो, बहुत अच्छा नहीं लगता है एनवायरमेंट को, ये सब बहुत ये बोलते ना खराब कर देता है ये सब, उसे अच्छा बैग में डालो लेके जाओ।
तो ट्रैक करने के बाद आपको ऐसा एक ब्लू कलर का एक पत्रे का घर दिखेगा, जिसमें जिसके अंदर एक मंदिर बना हुआ है। और फिर यहाँ से लेफ्ट में है आपका किले गोरखगढ़। यहाँ से पैच चालू होएगा, जो 80 डिग्रीज रॉक कट पैचेस है वो यहाँ से स्टार्ट होंगे, यहाँ से स्ट्रेट जाने का। और ये यहाँ एक कुत्ता है, कुछ ऐसा आवाज़ कर रहा है, क्या पता क्या हो गया है। उसको खाना भी दे रहे, खाना नहीं ले रहा है, वो अभी चुप बैठ गया। ट्रैक हो गया हम लोग का करके 1.5 आवर के बाद बस सामने ऊपर ही गोरखगढ़ है, आपको दिखता रहेगा। और 15 मिनट ही लगेगा, 15-20 मिनट ऊपर जाने के लिए। और ये लोकेशन तक आने को हम लोग को 1.5 आवर लगा है। और अभी ऊपर का जो पैच है वो सिमिलर टू हरियर फोर्ट जैसा है, रॉक कट्स क्लाइंबिंग है, एकदम स्टीप है थोड़ा। हरियर जितना बड़ा नहीं है पर सिमिलर उसके जैसा ही है, तो ये भी बहुत मजा आएगा करने के लिए। तो देखते कितना टाइम लगता है, और आपको इसका क्लिप्स दिखाते हैं। ऑन द वे आपको एक केव दिखेगा पीछे, जो केव है, तो यहाँ आप बहुत बड़ा केव है, आराम से रुक सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, खा पी सकते हो। और अगर आपको पानी का अगर लग रहा शॉर्टेज है, तो इधर बहुत सारे वाटर टैंक्स है और पानी अच्छा भी, आप पी भी सकते हो, तो पानी आप उधर से भर भी सकते हो, तो पानी का भी इतना इशू नहीं। अगर और आप कैंपिंग करने के लिए अगर आ रहे हो, अगर आप सोचो इधर किधर कैंपिंग करूँ, तो बेस्ट है वो आइडिया भी, बिकॉज पानी का तो वैसे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बहुत सारे टैंक्स है, वाटर टैंक्स है, तो कैंपिंग भी बहुत बेस्ट आइडिया इधर गोरखगढ़ के लिए। और पानी भी बहुत अच्छा है, पीने का पानी है, अच्छा बहुत पानी सही है बहुत। पानी है। तो ऑन द वे आपको ये लगेगा केव, इसके आगे से जाने के अरे वो आपको। बंदर, वो देखना वो क्या कर रहा है, वो देख और ये जू निकाल रहा है लगता है उसका। ऑफ क्लाइम, वी आर ऑन द टॉप ऑफ गोरखगढ़।
बहुत मस्त व्यू है, पीछे आपको फ्लैग दिखता रहेगा, और फ्लैग के पीछे का जो सीन है, जो व्यू है, बहुत बहुत मस्त सही है, लग रहा बहुत है। औसम व्यू है। और हाँ, धूप भी बहुत है, गर्म भी बहुत हो रहा है। देख यार फ्लैग देख, मस्त उड़ रहा है, लहरा रहा है फ्लैग। और इधर एक मंदिर भी ऊपर पीछे साइड में, उसका भी आपको वीडियो दिखाते हैं, उसका सिनेमैटिक शॉट्स भी। सो ऊपर बेसिकली ज़्यादा कुछ बड़ा स्पेस नहीं है, छोटा ही स्पेस है, एक मंदिर है और बस एक ये फ्लैग है इधर टॉप साइड में, बस बाकी कुछ है नहीं इतना। हाँ, बट व्यू व्यू के लिए अगर आपको आने तो बेस्ट है, बहुत गोरखगढ़ बहुत अच्छा व्यू है, और इतना बड़ा ट्रैक भी नहीं है, कुछ 2 आवर्स लगा है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर आप रुक रुक के आओगे तो 2.5 आवर्स लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो या बहुत अच्छा व्यू है, विजिट करना ज़रूर। तो हम लोग ने डिसेंड करना स्टार्ट कर दिया है, नीचे रिटर्न केव तक आ गए, पर केव पे सोचा था थोड़ा रेस्ट करेंगे खाएंगे, पर मंकीज लोग इतने हैं ना कि जैसे बैग ओपन करते पैक का जिप फटक से एकदम आ जाते हल्ला बोलने के लिए, जैसे उनको लग रहा है कुछ खाने के लिए निकाल रहे, तो इसलिए हम लोग ने खाने पीने का भी प्लान ड्रॉप कर दिया। सोचा भी सीधा नीचे की तरफ देखते, भाई नीचे डायरेक्ट नीचे ही जंगल में खाएंगे, खाएंगे, जंगल में खाएंगे जंगल रे। में किधर छाव में खा लेंगे, इधर तो मंकीज लोग खाने नहीं दे रहे, तो यही प्रॉब्लम है थोड़ा इधर। तो फिर आज का गौरवगढ़ का ट्रैक हम यही एंड करते हैं, तो मिलते हैं कोई न्यू ट्रैक पर, कोई न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग टीम ट्रैकर को, साइनिंग बाय। ऑफ।